Each land's vegetation is influenced by rainfall and temperature. They act as carbon sinks. India do not have rangelands. ठीक है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है कि भारत के पास रेंज लैंड है ही नहीं. ऐसा नहीं है. क्या हमारे यहाँ ऐसी लैंड नहीं है जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस हो, श्रब्स हो? सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. अब ये बाकी तीन स्टेटमेंट कौन सी सही है, कौन सी गलत है, लेट्स गो टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अबाउट दिस रेंज लैंड्स. ठीक है, ये देखिए, ये एक ऐसी लैंड होती है जहाँ पे लाइफ स्टॉक जो है, या फिर आप कह सकते हैं डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स ग्रेज्ड होते हैं. ठीक है, चराए जाते हैं जो पशु होते हैं. तो दीज आर द ग्रास लैंड्स, श्रब लैंड्स, वुड लैंड्स, वेट लैंड्स एंड डेजर्ट्स डेट आर ग्रेज्ड बाय द डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स. ये भी पूछ सकता है, कन्फ्यूज कर सकता है UPSC, क्या डेजर्ट्स और रेंज लैंड्स, क्या डेजर्ट्स रेंज लैंड्स है? येस, इट इज़ रेंज लैंड. ठीक है, द टाइप्स ऑफ द रेंज लैंड्स इंक्लूड टॉल ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस, प्रेरीज, डेजर्ट ग्रास लैंड्स, श्रब लैंड लैंड्स. इवन जो आपका सवारा है ये भी आपका रेंज लैंड्स है. ठीक है, स्टेपिस हुआ, टुंड्रा हुआ, ये सब आपका रेंज लैंड्स है. ठीक है, अब हाल ही में ये क्वेश्चन क्यों है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन UNCCD ने एक न्यू रिपोर्ट लॉन्च की है अबाउट दिस वर्ल्ड्स रेंज लैंड्स. ठीक है, क्या हो रहा है, एज पर दिस रिपोर्ट दीज रेंज लैंड्स आर डिग्रेडेड एंड नीड पॉलिसी इंटरवेंशंस. ये डिग्रेड हो रहे हैं, कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन देम नीड फोकस सपोर्ट, क्योंकि कम्युनिटीज़ को सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि दे लार्जली डिपेंड अपॉन दिस रेंज लैंड्स. ठीक है, जो कि डिग्रेड हो रहा है. तो इस रिपोर्ट के अनुसार रेंज लैंड्स एज नेचुरल और सेमी नेचुरल इको सिस्टम डेट आर ग्रेज्ड बाई लाइफ स्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, वेजिटेशंस की बात करें तो मैंने बताया था कि इसके अंदर सब कुछ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. रेनफॉल, टेम्परेचर, हर चीज़, वो क्लाइमेट के जो वेरिएबल्स हैं, येस डेट इन्फ्लुएंस दिस रेंज लैंड्स, जितने भी वेजिटेशंस हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हैंस सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. रेंज लैंड्स करंटली ऑक्यूपाई 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अर्थ टेरेस्ट्रियल सरफेस एरिया, मोर देन हाफ ऑफ द लैंड, मेकिंग देम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड कवर और लैंड यूज टाइप अकॉर्डिंग टू दिस UNCCD रिसर्च. ठीक है, भारत के अंदर भी, इवन अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रेंज लैंड्स हैं. ठीक है, अच्छा, कार्बन सिंक, ये कार्बन सिंक होता है, येस, कार्बन सिंक होता क्या है, जो कार्बन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमोसफेयर देन दे एमिट, छोड़ने से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है, डैट इज़ कार्बन सिंक. ठीक है, सिंक का काम करता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर दी हेल्दी इन्वायरमेंट. मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड रिलाई ऑन रेंज लैंड्स फॉर फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड्स. ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड इज़ ऑल्सो करेक्ट. भारत की अगर हम बात करें, 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कम अंडर रेंज लैंड्स इन इंडिया, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट टू हिमालय मेडोज. ठीक है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल. इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें तीन स्टेटमेंट सही है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिग्रेड हो रहा है, जिसमें ये लास्ट लाइन भी है, इनअप्रोप्रिएट लैंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, द कन्वर्जन ऑफ रेंज लैंड्स टू द फार्म लैंड्स आर अमंग द की कॉज ऑफ रेंज लैंड्स डिग्रेडेशन. ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट वन क्या कहता है, इंडियाज पल्सेज इम्पोर्ट दालों के ऊपर है. ठीक है, इंडिया की जो पल्सेज है इम्पोर्ट हमने की है वर द हाइएस्ट 2023-24 की हाइएस्ट थी सिंस 2016-17. 2016-17 से अगर हम बात करें तो दिस इज़ द हाइएस्ट इम्पोर्ट, हमने आयात किया है. ठीक है, आपको मैं बता दूँ कि इन टर्म्स ऑफ द पल्सेज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, बट साइमल्टेनियसली वी आर ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड. एल नीनो इंड्यूस्ड पैची मानसून एंड विंटर रेन्स वर द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन इन द डोमेस्टिक पल्सेज प्रोडक्शन इन 2023-24. देखो, दोनों ही सही है. ये सही है कि 2023-24 में हमने बहुत ज़्यादा आयात किया पल्सेज. क्यों? उसके पीछे रीज़न था कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिल्कुल भी अप टू द मार्क और एज़ पर द डिमांड रिक्वायरमेंट नहीं हो पाया. उसके पीछे रीज़न था एल नीनो का इफेक्ट. सो विद दिस द क्वेश्चन, स्टेटमेंट
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन. ठीक है, ये कुछ डेटा है. एलनिनो आप सबने जियोग्राफी में पढ़ा है कि एलनिनो क्या होता है. पल्सेस का ये सारा डेटा है. ठीक है, यू कैन गो थ्रू दी बाय रीडिंग दिस स्लाइड. ठीक है, पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं इसे. अगर पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा. द मेन रीज़न इज़ दी एन नीनो इंड्यूस पैची मॉनसून. ये इसलिए सही है. ठीक है, ये डेटा है कि जैसे जो पल्सेस का आउटपुट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बल्कि डिक्रीज़ हुआ फ्रॉम 27.330 मिलियन टन्स इन 2021-22 टू 26.06 मिलियन टन इन 2022-23. ठीक है, चना जो है उसका इतना रिडक्शन हुआ. ठीक है, अरहर दाल की अगर हम बात करें तो देखो 4 पॉइंट. इससे क्या होता है ना, जब प्रोडक्शन गिरता है और हम आयात करते हैं, व्हेन वी इंपोर्ट, तो वी हैव टू पे मोर. ठीक है, महंगा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हमारे देश में ये मिलने वाली चने की दाल है, अरहर की दाल है, ये सब महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, जिससे कि क्या आ जाता है आपका इन्फ्लेशन, क्योंकि हमने आयात किया है. ठीक है, तो बढ़ती दामों में सिर्फ वही खरीद पाएगा जिसके पास पैसा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, जिसे हम शॉर्ट में AMR भी कहते हैं, हमें करेक्ट बताना है. बेसिकली एंटी माइक्रोबियल मतलब पता ही होगा, जो माइक्रो से होने वाली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो होने वाली बीमारी है, अगर उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं तो वह एंटी होती है, यानी कि उसका इम्पैक्ट बॉडी को हम निगेट कर देंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना. एंटी माइक्रोबायबियल जो मेडिसिन है उसका रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा है, यानी कि अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया वायरसेस से बॉडी में हो रही है, अगर इसको ट्रीटमेंट देने के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल दे रहे हैं, बट इसका प्रकोप इतना है कि वो रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट को वो रोक रहा है. तो यहाँ पे देखिए, इट हैपन्स व्हेन बैक्टीरिया और वायरस इज़ नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एंटी माइक्रोबियल मेडिसिंस, यानी वो रिस्पॉन्स कभी ना करे. बिल्कुल सही है. द मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स आर द मेन ड्राइवर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस. इट मेक्स इन्फेक्शंस डिफिकल्ट टू ट्रीट. पता है आपको, कई बार ऐसा होता है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड भी सही है. कई बार होता है जब ओवरडोज दे देते हैं, ओवरडोज के बाद उसका जो इम्पैक्ट होता है वो धीरे 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 इतना हो जाता है. आप खुद सोचिए, कुछ टाइम पहले जब आप कोई मेडिसिन क्रोसिन खाते होंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता होगा, लेकिन इतना हैवी डोज हमारी बॉडी में जा चुका है कि अब हल्की फुल्की दवाई खाए तो उसका इम्पैक्ट बॉडी में होता ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैवी डोजेस ले चुके हैं, तो रेजिस्टेंस लेवल बॉडी में बढ़ चुका है. तो ये अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी लैंसेट स्टडी की, जिसमें AMR बैक्टीरिया किल अबाउट 5 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ईच ईयर. इन इंडिया AMR कॉस्ट अराउंड 10,43,500 डेथ्स इन 2019. 2019 में लगभग 10.5 लाख लोगों की मौत हुई है. उसके पीछे रीज़न यही था कि AMR का एक रीज़न था, बैक्टीरिया जो है वो इतना लोगों के अंदर आ चुका है कि वो मर रहा है, और उसके रोकथाम के लिए जो दवाई है वो भी काम नहीं कर रही है. उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण बिल्कुल सही है. कई बार हम मिसयूज़, पता है आज भी हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो प्रॉपर डोजेस दिए जाते हैं, मेडिसिंस की सारी गलती डॉक्टर्स की नहीं है, जो डोजेस दिए जाते हैं कभी कभी हम उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करते. जो मेडिसिंस गैप में खाने चाहिए वो हम एक साथ खा लेते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि ये बहुत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है. इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम. मुझे ये पता है कि मेरे इर्द गिर्द में जो मेरी आंट है उनकी तबीयत ख़राब है, बट वो क्या कर रहे हैं कि गैस की दवाई सबको पता है खाली पेट खानी होती है, कुछ खाने के बाद फिर दूसरी दवाइयाँ खानी होती है, बट वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ कंज्यूमिंग ऑल द मेडिसिन टुगेदर एट अ टाइम. उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल बढ़ जाएगा, बाद में जब उसको मेडिसिन दिया जाएगा प्रॉपर तो वो उसका यूज़ ही नहीं होगा, है ना, तो उसका वो इफ़ेक्टिव ही नहीं रहेगी. तो इस कभी कभी जो हम मिसमैनेज करते हैं दवाई का, ओवर डोज ले लेते हैं, डेट ऑल्सो बिकम्स द रीज़न टू क्रिएट दिस AMR. ठीक है, AMR कब अकर होता है, व्हेन बैक्टीरिया इवॉल्व टू बी रेजिस्टेंट टू द मेडिकेशंस डेट हैव बीन वाइडली यूज्ड और मिसयूज्ड. ठीक है, ओवर डोज या फिर मिसयूज्ड. As a result, infections become more difficult or impossible to treat, raising the risk of disease transmission, severe sickness, disability and death. ठीक है,
The abuse and overuse of antimicrobials in humans, animals and plants are the primary causes of drug resistant infection. Hence statement 2 is correct. दो भी सही है. तीसरी भी सही है कि इट मेक्स इन्फेक्शंस मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड इंक्रीज द डेंजर ऑफ वेरियस मेडिकल ऑपरेशंस एंड ट्रीटमेंट्स. जो सक्सेसफुल होना चाहिए ऑपरेशंस, क्योंकि ऑपरेशंस के टाइम पे भी बहुत ड्रग्स दिए जाते हैं, वो काम कर होंगे नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल बढ़ चुका होगा. नाउ वी हैव क्वेश्चन. द मोंटेवीडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स 1933. तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है. दिस कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर हम इस रिपोर्ट को देखें या फिर इस कन्वेंशन को देखें तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कंट्री की. अ परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी टू एंटर इंटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, हैविंग देयर ओन करेंसी. कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है. सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि जो डी ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग, कि अपनी ही करेंसी होनी चाहिए. ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR. तो इसके संदर्भ में वी नीड टू मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स. LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर जॉब्स इन एन इकोनॉमी. ठीक है जी, बिल्कुल सही बता रहा है. इट इवन इंक्लूड्स पीपल लाइक 35-year-old मैरिड वुमेन हु इज़ नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, और 22-year-old हु इज़ बिजी परसुइंग हायर एजुकेशन बट हैज़ द पोटेंशियल टू बी एम्प्लॉयड. इट एक्सक्लूड 65-year-olds हु नो लॉन्गर वॉन्ट्स टू वर्क. तो ये गलत है. इसके अंदर ये भी आता है 65 साल के लोग, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, बट वो भी इसके अंदर आते हैं. ठीक है, तो आपकी ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ओनली 2 इज द करेक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोन रेमल. हम सभी को पता है रेमल के बारे में. अभी भी इवन इसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हो रहा है. वेस्ट बंगाल में कलकत्ता की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हाईएस्ट जो हाई रेनफॉल है वो हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो रहा है बंगाल में. अब ये साइक्लोन रेमल जो है ये कहाँ कहाँ हिट कर रहा है, वेस्ट बंगाल से लेके बांग्लादेश की जो तट है वहाँ तक पहुँच रहा है. इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन कोस्टल बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा, पार्ट ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम May 26 to 28. इंडियन कोस्ट गार्ड सेज 9 डिजास्टर रिलीफ टीम्स ऑन स्टैंड बाई इन बंगाल एंड उड़ीसा. टीम सारी लगी हुई है टू मैनेज द डिज़ास्टर, बट डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होता नहीं है. बस हम वहाँ से अपने आप को बचा सकते हैं अगर वहाँ से हम रीएलोकेट हों. अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर द बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स रेमल एंड इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंड फॉल्स बिटवीन द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. बहुत ही ज़्यादा सीवियर है ये. रेमल नाम किसने दिया है, इसका मतलब क्या होता है, सैंड. अरेबिक सेंस में इसका मतलब होता है सैंड, विच इज़ द फर्स्ट प्री मानसून साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल दिस सीजन. द नेम वॉज प्रोवाइडेड बाई द ओमन कंट्री फॉलोइंग द रीजनल नेमिंग सिस्टम फॉर साइक्लॉन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन. ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता को ये इन्होंने हमारे भारत के लिए एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है कि शी इज़ द फर्स्ट पर्सन हु वॉज द पार्ट ऑफ दिस कैंस फिल्म फेस्टिवल which gave best actress award to her. उनको ये best actress award मिला है किस मूवी के लिए, Shameless मूवी. ये कैसी मूवी है जो सेक्स वर्कर्स पे आधारित है. दो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, उनके बीच में प्यार होता है, एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो ये Shameless है. उसके साथ साथ ये मूवी का नाम है अनुसूया जो सेन गुप्ता है, उन्होंने ये कहा अवार्ड लेते समय कि जो जितने भी समुदाय हैं वो समुदाय जो सेम सेक्स पे जो LGBT की अगर समुदाय की बात करें तो उसको ये कहती हैं, प्रमोट करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि आपकी ये जंग है जो लड़ना नहीं चाहिए था, बट इस समाज में अपना इक्वल हक पाने के लिए लड़ना होगा, जारी करनी होगी. तो ये उन्होंने अपने आप मतलब उस कम्युनिटी को भी मोटिवेट किया है. ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम क्या है, बुल्गेरियन कॉन्स्टेंटिन बोजानोव. तो ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और कैंस के बारे में हम सभी को पता है,
फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कैंस के बारे में। ये जो कैंस फिल्म फेस्टिवल का आइडिया था ये कैसे आया था? टू कम्पीट विद द वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच केम अप इन 1939, बट द फेस्टिवल डिड नॉट स्टार्ट अंटिल 1946 आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, द फेस्टिवल ओनली लेट्स पीपल हु आर इन्वाइटेड सी पिक्चर्स डेट आर आर्टिस्टिकली गुड। बट बाद में जाके ये चीज़ें, इसका विरोध हुआ तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई। पीपल आर नॉट अलाउड टू टेक सेल्फीज ऑन द रेड कारपेट एंड एट कैंस। इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स अर्ली ईयर्स द फेस्टिवल डज नॉट एक्सेप्ट फिल्म डेट आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्ट्रीमिंग सर्विसेज टू कम्पीट इन इट्स मेन कॉम्पिटिशन। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने है G7। ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज कमिट्स टू नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है ये हम सबको पता है। इन्होंने ये कमिटमेंट दिया है कि भाई वो नेट जीरो एमिशन करेंगे बाय 2050 तक, ये चीज़ पहुंचा देंगे। अलोंग द सेम लाइंस द गवर्नमेंट ऑफ एल्बनीज हैज़ पुट फॉरवर्ड अ प्लान टू रिक्रिएट अ नेट जीरो इकोनॉमी अथॉरिटी विच विल इंकरेज मोर इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी अथॉरिटी का सेटअप होगा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को और इंकरेज करेगा, सो डैट जो कार्बन CO2 है, जो जहरीली गैसें हैं, उसका एमिशन हो पाए। ठीक है, नेट ज़ीरो एमिट हो, ज़ीरो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, एमिट ही ना हो। ठीक है, 0%। वो कैसे होगा? जब ग्रीनरी ही ग्रीनरी होगी, जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन लेस, पॉल्यूशन फ्री होगा। फॉलोइंग दिस 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इन ग्लासगो, जिसने कोशिश की थी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द पेरिस एग्रीमेंट, देयर हैज़ बीन अ राइज इन नेट जीरो कमिटमेंट्स। ठीक है, नेट जीरो मतलब क्या होता है? मीन्स बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज विद द सेम अमाउंट स्टोर्ड और ऑफसेट, सो डैट द टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट एट ऑल। जितना हम बैलेंस करना ग्रीन हाउस गैस को जो रिलीज कर रहे हैं उसी विद द सेम अमाउंट स्टोर करना, तो उससे क्या होगा कि वो इम्पैक्ट नहीं होगा टेम्परेचर के ऊपर। दिस आइडिया केम अबाउट वेन पीपल रियलाइज द कटिंग डाउन ऑन एमिशंस अलोन इज़ नॉट इनफ टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन जो है यही टारगेट 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में भी देखने को मिलता है, जिसमें भारत ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था और इसमें टेम्परेचर को कम करने की बात की गई थी और गोल रखा गया था नेट ज़ीरो का, जिसमें बैलेंस करेंगे ह्यूमन मेड एमिशंस विद रिडक्शंस इन दिस सेल्फ सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, तो IPCC की स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस मेड दिस पॉइंट एवर इवन स्ट्रॉन्गर बाय कॉलिंग फॉर अ वर्ल्ड स्टिच टू नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन हम सब समझा ही चुके हैं कि भी बैलेंस करना है जितना हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, अगर हम एमिट हो रहा है, अगर उसके बीच में और स्टोर करने के बीच में अगर हम बैलेंस कर पाए। दिस बैलेंस इज क्रूशियल फॉर लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को याद रखना, पूछ सकता है UPSC। ठीक है, चलिए इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है। स्ट्रैटेजी सभी को पता है कि जब हम रिन्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, विंड और सोलर, हाइड्रो, इन सब जो है रिसोर्सेज को बात कर रहे हैं इस एनर्जी सोर्सेज की। ठीक है, कन्वेंशनल उसमें जा रहे हैं, ट्रेडिशनल जो है हमारे, यानी कि जैसे कोयला है, उसको हम धीरे 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 ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भूटान और जो सुरीनेम है, दीज आर करंटली ओनली कंट्रीज डेट एब्जॉर्ब मोर CO2 देन दे एमिट। ठीक है, ये वो दो कंट्रीज़ है, जितना वो एमिट करते हैं यानी वो गैस छोड़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री हैज़ कमिटेड टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2050, अलाइनिंग विद द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। स्वीडन एम्स टू बी द फर्स्ट कंट्री टू अचीव नेट जीरो एमिशंस, सेटिंग एन एम्बिशियस टारगेट फॉर द ईयर ऑफ 2045। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन हियर ओनली। ये जो छोटी छोटी कंट्रीज के नाम है ये आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलिए। सो विद दिस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड डे।